अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, ये बेसिकली कंपैरिजन है और इस वीडियो का टाइटल है। मुंबई वर्सेस दुबई सिटी सिनेमैटिक कंपैरिजन। अच्छा, इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नूर के चैनल का भी हाँ लिंक जी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नूर की रिएक्शंस देखने हैं तो वहां पर आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स गो, इसको चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या है। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम जरूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और वैसे कंपेयर करेंगे दुबई दुनिया के ज्यादा जो दो है शानदार वो तो शहरों दुबई का को। तो मुकाबला नहीं है। भले ही ये दोनों सिटीज किसी भी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज की बात हो तो हाँ, दुबई ये और बात है। मुंबई का नाम उस लिस्ट में मुंबई तो जरूर इज सिटी शामिल ऑफ होगा। ड्रीम। हाँ फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है, और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का हाँ, नाम दुबई जाना इतना है। मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज्यादा दुनिया में लोग दुबई के दुबई नाम के को नाम से जानते हैं। जानते हैं, वहीं मतलब मुंबई यूएई को को इतना अपने लोग नहीं बॉलीवुड की जानते वजह जितना से दुबई सिटी के ऑफ नाम से ड्रीम्स के जानते नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता सिटी है। ऑफ ड्रीम्स। ये जो मैंने सुना, तो चलिए देखते हैं कैसा असल में होगा इन दोनों मूवीज में ना सिटीज का बॉलीवुड को लाइफस्टाइल। लोग लेके अपना बहुत करियर ज्यादा हम स्टार्ट लोगों करते ने हैं। बात करते हैं सुना दोनों है। सिटीज के एरिया की, तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4455 स्क्वायर किलोमीटर है। मुंबई मतलब ठीक ठाक बड़ा है वैसे उससे। एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, दुबई की बहुत होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है क्योंकि मुंबई बात की ज्यादा करें होगी? दुबई शहर की जीडीपी की, दुबई की तो ज्यादा दुबई होगी। की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब नहीं, है। ये फिर कम है अगर वहीं उस मुंबई हिसाब से। शहर की जीडीपी मुंबई, लगभग 277 बिलियन डॉलर ओ के करीब मैं भाई, वही कह रहा हूँ। फिर क्योंकि मुझे इंडिया की हाँ सबसे ज्यादा इंडिया जो दिमाग है में ना ख्याल मुंबई आएगा वो कि करता है दुबई उसको। शहर इतना डेवलप होने के बाद भी इतना डेवलप जीडीपी के है, मामले लेकिन में जीडीपी के मामले मुंबई वाकई शहर से बहुत कम पीछे है, कैसे हो बहुत सकता पीछे है? है। तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, हाँ, जहाँ दुबई की दुबई में पॉपुलेशन बहुत कम सिर्फ होगी ना। 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं हाँ 2,64,00,000 लोगों के साथ दो मुंबई करोड़ भारत चौसठ का दो दूसरा करोड़ सबसे चौसठ आबादी वाला लाख शहर है। हाँ। इसी और वजह वहां से पर टोटल दुबई और थोड़े से मुंबई लोग हैं। शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क है, वेस्ट आवर। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते लेकिन हैं फिर बात दुबई में में दुबई मुंबई के में जो कंपैरिजन में रहने वाला सिर्फ हर बंदा आठ अमीर परसेंट है। लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, हाँ ये भी है। मुंबई शहर क्योंकि में दुबई तो के 13 बिलियनियर्स बिलियनियर्स बहुत के ज्यादा रहते मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, हैं। जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी दुबई है, की बेची जो जाता है। मुंबई में ही मुकेश दुनिया अंबानी तो के बस सबसे बात ही पहले खत्म हो घर जाती। अच्छा, एंटीरियर घर में इसका रहते चेक हैं। करूं एंटीरियर में लेकिन अमीरी ट्वेंटी में सेवन दुबई का फ्लोर है। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, सही बात है। चाहे फिर बात हो दुनिया सेवन के स्टार इकलौते होटल 7-स्टार होटल बुर्ज बुर्ज अल अरब, अरब की या मैन मेड आईलैंड हाँ। पाम जमुरा की, यार ये भी बहुत या प्यारी है। दुबई हाँ, एक्वेरियम, पाम जमुरा अंडर बहुत वाटर प्यारा है। जू, मैंने ये सारी आई एन जगह दुबई देखी हुई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर मैंने लगता तो है कि हम फोटोज और किसी वीडियोस में देखे हैं। फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। हाँ। म्यूजियम ऑफ वहीं फ्यूचर मुंबई ये में नहीं देखा मॉडर्न अभी, और जब भी जाऊंगा फ्यूचरिस्टिक तो ये स्काई जरूर स्क्रेपर्स के देखूंगा। साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए, हाँ, यूं ये ही थोड़ा सपनों का शहर ओल्ड नहीं कहा आर्किटेक्चर है जाता। ना, काइंड ऑफ। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा, अब मैंने सुना सऊदीया बना रहा है सबसे टॉलेस्ट, सोदिया बना रहा है किंगडम टावर, सबसे उसका बड़ा जो नाम है होगा। और 1 किलोमीटर का है। लेकिन हाँ, ए जिस पे छह 1.2 किलोमीटर का ये ऑलरेडी एक और बिल्डिंग स्टार्ट कर चुका है दुबई। अच्छा, हाँ जी, 240 स्काईस्क्रेपर्स के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है। 240 तो वहीं 300 मीटर स्काईस्क्रेपर्स ऊंचे बिल्डिंग्स हैं। पैलेसेस रॉयल के अलावा
200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी पीछे नहीं है, 200 बिल्डिंग। यार मुंबई में तो ट्रांसपोर्टेशन की तो दुबई में मेट्रो बस कैब्स होने के बावजूद ज्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज करते हैं। पर्सनल कार सस्ती पड़ती है, पेट्रोल और पानी के प्राइस सेम है। हाँ, पानी मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुंबई में भी ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स बहुत चलती हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम। यार मुझे लगा था दुबई की जीडीपी ज्यादा होगी, लेकिन मुंबई जो है ना इंडिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जीडीपी में मुंबई करता है। जीडीपी में यही करता है। और दूसरा ये है कि मुझे ये चीज वाकई मेरे लिए भी शॉकिंग थी। और दूसरा ये कि दोनों सिटीज, अगर हम लोग एक चीज देखें कि दोनों सिटीज में कुछ फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है, तो ज्यादा लाइफस्टाइल को भी दुबई में भी आप मोस्टली आपको इंडियंस ही नजर आते हैं, लेकिन जो वहां के वहां पर रहने बिजनेस वाले हैं, लोग हैं, बिजनेस जो है वो सारा का सारा, अगर अगर यूएई या पूरा का पूरा जितना भी है वो इस चीज को ना करें ना कि मतलब लोग जो बाहर के आए हुए हैं वो जिस तरह परचेजिंग कर सकते हो लैंड की या इस तरीके की चीजें, तो आज पूरा आधा गया पूरा का पूरा यूएई इंडियंस ने खरीदा हुआ होता। ये भी बात सही है। तो इंडियंस के बहुत सारे बिजनेस हैं। हाँ, और उधर भी उसको भी बनाने वाले एक तरीके से इस टाइम पे एक बिलियनियर के बिजनेसेस लग चुके हैं दुबई में। हाँ, वो तो पूरी कंपनी है ना। हाँ। इधर क्या बोलते हैं इसमें, दुबई में भी मैंने पहले नंबर पे आता है इंडिया इन्वेस्टमेंट में, और दूसरे नंबर पे एक यूरोपियन कंट्री है कोई, और उसमें फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी आते हैं। मतलब ये है कि इन लोगों ने एशिया में पाकिस्तान और इंडिया ने वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो खैर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट जरूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।